नाम सविता शर्मा है, मैं डीजीवी सनलाइट कॉलोनी से आशा वर्कर का काम करती हूँ। सर मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। जब मैं जिस वक्त यहाँ आई थी हमारे इतनी मांगे नहीं थी, लेकिन अब हमें इतना काम दे दिया जा रहा है, इतना हम पे प्रेशर है, इतना दबाव है, कभी भी 2400 घंटे में कभी भी हमारे पास फोन आ जाता है और हमें किसी भी वक्त अपने बच्चों को अपने घर परिवार को छोड़ के उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन सर हमें सैलरी नहीं मिलती, हमें पैसे नहीं मिलते। मार्च से अब तक मेरी सैलरी नहीं आई है। मैं फोन कर करके थक जाती हूँ, मेरा फोन काट दिया जाता है, मेरे डॉक्टर मेरी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ कि सरकार हमारी सुने, हमें कुछ फिक्स सैलरी दे और जिससे हमारा कोई भविष्य सुरक्षित हो सके। आपकी मार्च से अब तक तनख्वाह क्यों नहीं आई, क्या कारण है? सर पहले बोलते थे कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, आधार कार्ड लिंक कराओ, लेकिन मुझे आधार कार्ड लिंक कराए भी 1.5 महीने हो गया, लेकिन जो हमारे आशा कोऑर्डिनेटर है वो हमें सैलरी देते ही नहीं है। हमारा फोन काट देते और बार बार हमसे बोलते इधर जाओ उधर जाओ, मैडम बोलते इधर जाओ, एनएम बोलते उधर जाओ, हम उधर चक्कर काटते किराया लगा के हम इधर उधर भाग भाग के आते, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। आपकी या आपको चेक मिलता है बैंक में जाते? नहीं सर, हमारी सैलरी बैंक में आती है, लेकिन हमारी 5000 सैलरी बनती है तो उसमें से हमें मुश्किल से 3200-3500 रुपए मिलते हैं और कभी वो भी नहीं मिलते। सर हम इतने परेशान हो चुके हैं, हम अपनी सरकार को कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि वो हमारी सुने और हमें कुछ मुद्दा दे, हमारे लिए कुछ करे और हमारी सरकार अब जागरूक हो हमारे फैसले से। जो आज हम इसके लिए आए, सिर्फ हम सैलरी के लिए आए, हमें सैलरी दो, हम पॉइंटों पे काम नहीं करेंगे। आप क्यों ये काम करती हो जब आपकी सैलरी नहीं? सर हम काम करते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है, हम निकलते हैं, हम बच्चों की सेवा करते हैं। इतने बच्चे हैं जिनको टीके नहीं लगते, हम उनको टीके लगाते हैं, हम उनको घर में से ढूंढ के लाते हैं, हम 6-6 फ्लोरों पे सर जाते हैं, 6 फ्लोर से हम नीचे उतार के लाते हैं। कोई हमसे प्यार से नहीं बोलता, हम 3-3 बार 4-4 बार दरवाजे नॉक करते हैं, हम जाके अपने डॉक्टरों को एनएमओ को बुलाते हैं, वो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन वो कोई हमारे साथ चलने को तैयार नहीं होती है। कितनी बार हम बेइज्जती होके आते हैं, कोई बोलता हम छोटे बच्चे हमें टीका लगाओ, इतने बड़े बड़े लोग हमसे बोलते हैं कि हम छोटे हमको टीका लगाओ, लेकिन सर हम वहाँ से बेइज्जती सुन के फिर दूसरे दिन फिर जाते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने पे हमें काम नहीं मिल, पैसा नहीं मिलता है, हमें दुख होता है सर।